हाँ मुझे रिकॉर्डिंग भूल गई थी, ठीक हो गया। अच्छा, आप सिलेक्टिंग का डोमेन में मैंने बता दिया कि आप जब भी डोमेन सेलेक्ट करेंगे तो स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर करते हैं जो भी आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी डोमेन नेम सेलेक्ट करें तो कोशिश करें कि वो क्लियर हो, कंसाइज हो, समझने में आसान हो, मेमोरेबल हो। गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। और मेरे अपने सारे नाम मुश्किल हैं तो मैं अपने किसी नेम की वो नहीं करता, तो नाम ऐसा रखें जो बोलने में आसान हो और वैसे आसान हो, ठीक है। और यूजली जो है, जैसे मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बता रहा था कि सब डोमेन ना परचेज करें। सब डोमेन होती है abc.somewebsite.com, ठीक है। और लास्ट टाइम मुझे आई थिंक किसी ने लिंक भी सेंड किया था .wix के ऊपर बना हुआ था, तो वो .wix.com था, तो वो सब डोमेन हो जाती है। तो यूजली सर वो मैंने बनाया था, उसके बाद फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। ठीक 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 वही वो अच्छी चीज़ थी कि आपने मतलब उससे एफर्ट करें, लेकिन उसके बारे में आपसे थोड़ी डिस्कशन करूंगा बाद में ना, ठीक है। कि अगर आप विक्स पे जाना चाह रही हैं तो विक्स पे कैसे जा सकते हैं, ठीक है। फिर आपके लिए बाकी सारा कोर्स का जो पहला सेक्शन है ना, वो सारा का सारा वो हो जाएगा। लेकिन ये है कि विक्स आपको पर मंथ चार्ज करेगा, तो वो फिर जिस टाइम तक आप अर्निंग नहीं कर रहे उस टाइम तक वो चार्ज जो है एक बोर्ड बटन बन जाता है। आप अर्निंग स्टार्ट करने उसके बाद आप पे कर सकते हैं आराम से, ताकि आपने अर्निंग से, जब तक आप अर्निंग नहीं कर रहे सोशल मीडिया से या वेबसाइट से, तब तक खाम खाम में शॉपिफाई को, विक्स को या WordPress.com को, WordPress.org या WordPress.com डिफरेंट है, तो उनको खाम खाम में पे करते रहना वो चीज़ है, ठीक है। और मेन चीज़ है .com के ऊपर डोमेन परचेज करें। नेक्स्ट आते हैं फाइंडिंग योर डोमेन नेम। जब भी आप डोमेन नेम सर्च करना चाह रहे हो तो उसके लिए मैंने कुछ वेबसाइट बताई थी, नेमशिलो है उसके लिए, नेमचीप है, गोडैडी है, और आई पेज है, मतलब डिफरेंट सेलर्स हैं। यूजली कोशिश करें पाकिस्तानी सेलर से जो अच्छे हैं, ऑस्टर पीके है और एक कोई हाफिज साहब है उनका है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनका होस्टिंग अकाउंट है, वो अच्छे हैं। लेकिन किसी भी न्यू बायर से ना परचेज करें और किसी भी नॉन ट्रस्टी सेलर से ना परचेज करें, ठीक है। तो क्योंकि अगर वो अकाउंट अपना अकाउंट बंद कर देता है आपकी डोमेन अगर चल भी रही हो तो वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और ऐसी डोमेन परचेज करें जो फ्री प्राइवेसी प्रोवाइड कर रही होती है। फ्री प्राइवेसी ये होता है कि जब भी आप डोमेन परचेज करते हैं तो जो डोमेन जो भी आपको बेच रहा होता है वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, और ये वो पब्लिकली शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ डोमेन ऐसे हैं जो फ्री में ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो इसको प्राइवेसी करते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन कभी भी शेयर नहीं करते, ठीक है। तो कोशिश करें कि हमेशा बोले, मैं आपके रिकमेंडेशन सेंड करूंगा कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, और अगर आप खुद भी आपके पास कोई ऑप्शन हो तो पूछ सकते हैं कि यहाँ से लेने के ना लें, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे वो फ्री प्राइवेसी ऑफर कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ डोमेन नेम के अंदर, अगर आप स्पेसिफिक मार्केट को सर्च कर रहे होते हैं, जैसे अगर आप सिर्फ पाकिस्तान को सर्च कर रहे हैं तो आप .pk डोमेन ले सकते हैं, जैसे daraz.pk है, propakistani.com है, ठीक है, daraz.pk है, तो आप .pk डोमेन तब परचेज करें जब आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपकी टारगेट मार्केट जो है वो बाहर भी है, अब मेरी इन दोनों वेबसाइट्स के अंदर जो मेरी टारगेट मार्केट थी वो मोस्टली इंग्लैंड और USA में रहने वाले पाकिस्तान थे। वो क्यों थे वो मैं आगे SEO के द्वारा आपको बताऊंगा कि वो क्यों थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से अर्निंग ज़्यादा होती है। आते हैं व्हाट इज वर्डप्रेस। आप मेरे से अगेन मैं पूछूंगा जो नए बच्चे भी हैं कि किस किस को वर्डप्रेस के बारे में बताओ, उसमें काइंडली जवाब सारे दीजिएगा, चैट में दे दें, बता के दे दें। वर्डप्रेस के बारे में किस किस को पता है, ठीक हो, तो आपको क्या पता है? और बाकी सब भी ठीक हो गया।
हो गया। अच्छा ब्लॉग जो है ये एक टाइप ऑफ वेबसाइट है, आप हर किस्म की वेबसाइट इसे बना सकते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ठीक हो गया। चलिए यहाँ पे आता हूँ वापस, हम बताते हैं वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस जो है वो एक सिंपलेस्ट, एक मिनट, ऐसा ही है। ठीक है, CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा ही है। ठीक है, वर्डप्रेस जो है वो सिंपलेस्ट मोस्ट पॉपुलर वे टू क्रिएट योर वेबसाइट और ब्लॉग। ठीक है, और इस टाइम दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें से 38% वेबसाइट जो हैं वो वर्डप्रेस यूज कर रही हैं, और यहाँ तक कि जो व्हाइट हाउस का ऑफिशियल ब्लॉग है वो भी वर्डप्रेस पे है। ठीक है, फेसबुक का जो ब्लॉग है वो भी वर्डप्रेस पे है। ठीक है, मतलब जहाँ तक ये वर्डप्रेस जो सिस्टम प्लेटफॉर्म में मौजूद हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वर्डप्रेस के ऊपर आप किस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। आप इस पर बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट्स मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जो किसी भी बिजनेस को रिप्रेजेंट करी होंगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे ही आऊँ, ठीक है, ये एक लॉ फर्म है, ये वेबसाइट जो है ये वर्डप्रेस से बनी हुई है। अगर ये पूरी ओपन होती है आराम से तो ठीक है, और ई कॉमर्स स्टोर्स हैं। अब शायद मेरे पास है कि नहीं है, नॉट श्योर ये चल रही है कि नहीं चल रही, लेकिन ये स्टोर जो है ये भी वर्डप्रेस से बना हुआ है। ठीक है, ये एक वर्डप्रेस पे स्टोर बना हुआ है। ठीक है, सर वर्डप्रेस के ऊपर पिक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, जब वो पिक्चर मांगते हैं तो वहां से कैसे क्रिएट करते हैं पिक्चर जिसके ऊपर आप कुछ लिखते हैं, लाइक अ ब्लॉग करते हैं आप? आप पिक्चर इसके ऊपर लिखते हैं, मतलब आप पिक्चर मतलब ब्लॉगिंग के लिए आप कह रही हैं कि जो पिक्चर यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं? जी 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 यही कह रही हूँ मैं वापस इस पे आता हूँ। जैसे अब ये जो तस्वीरें हैं, ये जो पिक्चर्स हैं, ये तो उनकी अपनी हैं, मतलब ये तो उन्होंने खुद फोटोग्राफी की हुई है। जो लास्ट में ये जो मैंने एक कॉर्पोरेट वेबसाइट दिखाई थी लॉ फर्म विश्वर, इसके अंदर जो तस्वीरें हैं ये बेसिकली आप सर्च करते हैं थ्रू सोर्स से जो आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें पैक्सल्स है, पिक्जा बे है, और अगर आपने रॉयल्टी फ्री के लिए आप कोई प्रीमियम पैकेज लेना है तो शटर स्टॉक है, और गेट इमेजेस हैं, और मतलब डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। कुछ आपको फ्री में ऑफर कर रही हैं, कुछ आपकी पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ती हैं, और वहाँ से आपको मिलती हैं डोमेन पिक्चर्स। और मतलब पाकिस्तानी ब्लॉग हैं, जैसे अब ये है तो यहाँ तो मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो ये मैंने जिस भी सेलर की है ये मैंने उसकी परचेज की हुई है, उनको ये फ़ायदा है कि उनकी चीज़ पर रिव्यू जा रहा है, कोई यूज़र बाय कर लेगा तो उसको फ़ायदा, उनको फ़ायदा हो रहा है, सो दे अलाउड। ठीक है, अब दिस वन लाइक दिस वन, तो ये यूरिया डोर जो भी ऑनलाइन स्टोर है वहाँ से आ रही है, तो मैंने वहाँ से कॉपी की है, अपने ब्लॉग पे लगा दी है, और उनको इसमें इशू नहीं। तो ये एफिलिएशन मार्केटिंग में आ जाएगा ना? ये एफिलिएशन मार्केटिंग में ऐसे ही जैसे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में एफिलिएशन मार्केटिंग में मुझे अर्निंग नहीं मिल रही तो इसको मैं एडसन के थ्रू अर्निंग कमा रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा वो नेटवर्क्स नहीं है जिनके थ्रू हम अर्निंग कर सके पाकिस्तान के अंदर। ठीक है सर, एडसन गूगल का है ना? एडसन गूगल का जी, एफिलिएट के लिए जो सबसे बड़ा नेटवर्क यूज हो रहा है वो अमेजन यूज हो रहा है, वो amazon.com का है। ठीक है, अच्छा ब्लॉग्स आप सेटअप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एक ब्लॉग है जिसमें आर्टिकल लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ब्लॉग से आगे इसमें होती हैं एडसन बेस्ड है वो जैसे ये ऐड है। ठीक है, ये गूगल से आ रहा है, जब मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूंगा एड बाय गूगल। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है कि अगर हम ब्लॉग के अंदर अपनी एफिलिएशन लगाते हैं, अगर हम इंटरनेशनल उसको करते हैं, यानी कि नोट पाकिस्तान करते हैं, उसको इंटरनेशनली उसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जब हम एफिलिएशन लगाते हैं तो सर वो एफिलिएशन किस तरह लगाते हैं? अमेज़न से ये तो मुझे पता लेते हैं, लेकिन वो एफिलिएशन लेते किस तरह? ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये सेशन के एंड में मेरे से पूछिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लिख लेना, जिस टाइम ये सेशन कंप्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता, जिस टाइम एंड में आता है ना उस टाइम ये क्वेश्चन मुझे दोबारा रिमाइंड जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, एफिलिएट हम कैसे लेंगे, मैं इसको लिख के लेता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं
आप इसे ब्लॉग बना सकते हैं, आप इसे पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और ये इन्होंने एक चैट में जो था ना, ये इन्होंने लिंक शेयर किया है एवरीवन के लिए, यहाँ से आप पिक्चर्स ले सकते हैं। इसको मैं बुक मार दिया आपके पास, तो जिसने भी सवाल किया था कि पिक्चर्स कहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप रिज्यूमेस बना सकते हैं, आप फॉर्म्स बना सकते हैं। फॉर्म्स जो है वो जहाँ पे आप डिस्कशन कर रहे होते हैं, और फील्ड्स का एक फॉर्म है, और जमीन डॉट पी के जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इनका पता होता है, सियासत डॉट पी के जब फॉर्म, ठीक है। सोशल नेटवर्क्स आप बना सकते हैं, ठीक है, जैसे फेसबुक है, लेकिन तो बहुत बड़े नेटवर्क हो चुके हैं, लेकिन आपको क्या कहते हैं, ऐसे प्लगइन मिलते हैं जिनके थ्रू आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेंबरशिप साइट बना सकते हैं, जहाँ पे आप कोई भी प्रीमियम सर्विस ऑफर कर रहे हो, जैसे मैंने जो हमने जो अपनी वेबसाइट बनाई है अलिस्टम एकेडमी, ये एक मेंबरशिप वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, आप कोर्स को रिव्यू कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस और वर्डप्रेस के अंदर अगेन जो दो चीज़ें हैं, wordpress.org है और wordpress.com है। wordpress.org जो है ये ओपन सोर्स वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सर्वर पे, होस्टिंग सर्वर पर, और इससे आप वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। wordpress.com जो है वो एक फॉर प्रॉफिट है, पेड सर्विस है, वहाँ पर आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ जैसे मैंने पहले बताया था कि वो सब डोमेन में बनेगी, और इसको जब भी आपको मेन डोमेन पे शिफ्ट करना होगा तो आप यू हैव टू पे देम, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज, आम डोमेन से ज़्यादा यूजली ज़्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। और वाई वर्डप्रेस 38% ऑफ द वेबसाइट जो है इंटरनेट पे वो वर्डप्रेस यूज़ कर रही हैं, फ्री है, ओपन सोर्स है, इजी टू इंस्टॉल है, और आपको बड़े आराम से इसकी हेल्प मिल जाती है। बहुत सारे फॉरम्स हैं, बहुत सारी सपोर्ट है, जहाँ से आपको कोई भी इशू आए तो आपको कहीं ना कहीं पर उसका सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। और WP बिगनर के नाम से, अगर मेरी स्पेलिंग ठीक है तो, ये बहुत अच्छा ब्लॉग है, इसको फाइनली रिव्यू भी कीजिएगा। ये एक पाकिस्तानी का है और एक पाकिस्तानी अमेरिकन का बेसिकली, और ये बिल्कुल यंग सा लड़का था जिस समय से स्टार्ट किया था, 10 साल पहले या 12 साल पहले, और राइट नाउ इज मेकिंग मोर देन $1 million एनुअली, ठीक है, फ्रॉम दिस ब्लॉग ओनली। तो इसमें आपको तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है, आप कैसे स्टार्ट करें, ये देखें आप सारी टिप्स में मौजूद हैं, ठीक है, और हर चीज़ आपके बारे में, क्या वो कैसा थीम यूज़ करना है, जो ट्यूटोरियल आपको चाहिए, हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है, ठीक है। मैं आपके पास बुक मार्क कर रहा हूँ। और वर्डप्रेस एक्सटेंसिबल थीम्स हैं, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, थीम्स होती हैं और प्लगइन्स होती हैं। थीम्स वो चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को लुक देते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसे लगेगी, ठीक है, और प्लगइन्स वो होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की फंक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गए, ई कॉमर्स स्टोर जो है वो कॉमर्स का एक प्लगइन है, ठीक है। अगर आपने ईमेल न्यूज़लेटर शो करने हैं तो उनके लिए प्लगइन यूज़ होते हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और अब आते हैं इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस के ऊपर। अच्छा, जो लोग कल सेशन ले रहे थे उनमें से किन लोगों ने इसको ट्राई किया? सर मैंने ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसके ऊपर किया था, वैक्स के ऊपर। वैक्स के ऊपर आपने उसके ऊपर किया था, लेकिन वो तो ठीक नहीं ना, क्योंकि मुझे तो, हमने तो उसको सर्वर पे इंस्टॉल करना सीखना था। विक्स के ऊपर बड़े आराम से आप जाके wix.com के ऊपर रेफर बनाए, वहाँ रेफर बन जाती है। इसके अलावा किसने ट्राई किया था क्लास में? है कौन कौन जो कल भी अटेंड कर रहा था? सारे एक्टिव हैं। कोई जिसने ट्राई किया था? नहीं किया था। चले अगेन आते हैं, आपने जाना है wordpress.org पे, यू आर गोइंग देयर। आपने मुझे बताया था कि आपको wordpress आपने इस्तेमाल नहीं किया। बहुत ज्यादा हुआ, बस जूम थोड़ा सा कम कर दें प्लीज। क्या ज्यादा हुआ? Zoom ज़्यादा हो गया। Zoom ज़्यादा हो गया आपकी पिक्चर। वो Zoom कैसे डाउन होगा?
not sure ye kaise. अभी भी zoom out हुआ होगा या zoom in हुआ होगा? सर उनकी तरफ से हुआ होगा, इधर आपकी तरफ से ठीक है बिल्कुल. अच्छा बाकी लोग को ठीक नजर आ रहे हैं? जी सर. ठीक हो गया जी सर, ये सही कह रही है मेरी तरफ से हुआ है, मुझे पता चल गया. ठीक हो गया, ठीक हो गया. अच्छा अब आपने जाना है wordpress.org के ऊपर, यहाँ पे आपने जाके गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करना है. मैं लिंक चैट में भी शेयर कर देता हूँ. ठीक हो गया. आपने मोबाइल में वर्डप्रेस इंस्टॉल किया बट लैपटॉप में? मुझे मोबाइल में आपने कैसे इंस्टॉल किया? अच्छा यहाँ पे आप वर्डप्रेस पे जाते हैं, आप डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास, मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, आपके पास ये फाइल आ जाएंगी, इससे ज़िप फोल्डर आ जाएगा. वर्डप्रेस अब 5.5.3 चल रहा है. गुड हो गया, गुड हो गया. लेकिन उसको आप रन कैसे करेंगी सर्वर के ऊपर? क्योंकि आप सर्वर पे रन करना सीखना है ना. वो जो आपने डाउनलोड किया है वो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ली है, लेकिन उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जब वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा तो वो बेसिकली आपको वेबसाइट का देना होगा जो आपने सर्वर पे होस्ट की होगी. अदरवाइज आप wordpress.com के ऊपर डोमेन बना रही होंगी, ठीक है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पे इनकी फाइल्स जो है ना उनको होस्ट करना होता है. नेट इज क्वाइट स्लो, ठीक है? ये वहाँ से पता चल गया कि हम, मैं अगेन वहाँ पे आता हूँ जहाँ से आप डाउनलोड करेंगे. ये फाइल आपके ऊपर डाउनलोड आएंगी, इनको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपके पास ये पूरा सेटअप नज़र आएगा आपको, ठीक है? इसमें wp-admin, wp-content, wp-include, इसमें से ये सारी फाइल्स वाइज की, ये सारी की सारी मेन फाइल्स हैं, इनको आप कभी भी नहीं छेड़ते, ठीक है? इस फाइल को आप, इसके अंदर भी बेसिकली आप थीम्स, जो बाई डिफॉल्ट तीन थीम्स होते हैं इसके अंदर, 2019, 2017, 2020, ये यूजली हर साल एक थीम लॉन्च करते हैं. सो आई 2018 के इन्होंने हर साल एक थीम लॉन्च किया, ठीक है? और ये बाई डिफॉल्ट दो प्लगइन हैं जो इसके अंदर होते हैं, ठीक है? हम इसको, इसका इसको रीनेम करते हैं आज की क्लास November 9 के नाम से, इसको रीनेम कर देते हैं इस फोल्डर को. हम इसको कॉपी करते हैं. जैम इंस्टॉल किया था सारों ने कि नहीं किया था? लेकिन आप जाते हैं जैम के अंदर. ये जैम जो है मेरे पास पता नहीं पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ. नहीं पड़ा हुआ. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक हो गया, ठीक हो गया. जब जैम में जाते हैं, जैम में जाके आप एटी डॉक्स में जाते हैं, एची डॉक्स में जाकर आप उस फोल्डर को जो आपने November 9 के नाम से कॉपी किया था उसको पेस्ट करते हैं, ठीक है? देन आप वापस आते हैं. जैम जो है एक अपने सिस्टम पे सर्वर को, ये क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन है. इसके थ्रू आप अपने सिस्टम को सर्वर बना लेते हैं, ठीक है? होस्टिंग सर्वर बना लेते हैं और फिर आप वेबसाइट को वहाँ पर होस्ट करते हैं, ठीक है? तो आप कंट्रोल पैनल में जाते हैं. आप जैम को एक्टिव करते हैं. अगर आप स्काइप इंस्टॉल है तो मैंने लास्ट बता रहा था कि आप हमेशा स्काइप को क्विट करके उसके बाद दोबारा इसको एक्टिव करके फिर आप स्काइप एक्टिव कर लेते हैं, क्योंकि स्काइप और जैम एक ही पोर्ट यूज करते हैं. नॉट श्योर कितनी देर में एक्टिव होते हैं. सर स्काइप को अनइंस्टॉल कर दें? नहीं, स्काइप को अनइंस्टॉल ना करें. अगर वो एक्टिव है ना, कि मतलब जहाँ पे शो हो रहा है तो उस वजह से जाएंगे और उसके जहाँ पे आपको एग्जिट का ऑप्शन आएगा, आप एग्जिट कर देंगे तो वो एग्जिट हो जाएगा. अनइंस्टॉल नहीं करना, सिर्फ एग्जिट करना, उसको रिमूव करना है अपने, अगर वो कहीं भी एक्टिव चल रहा है तो. क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो स्काइप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, ऐसा है ना अक्सर? तो आप उस सिम से उसको क्या कहते हैं, क्लोज कर देंगे. क्लोज करके आप इसको और इसको स्टार्ट करेंगे. उसके बाद अगर आपने स्काइप यूज़ करना है तो आपको दोबारा ऑन कर लें, कोई मसला नहीं होगा. क्योंकि अगर आप जैसे ये येलो साइन आपको नज़र आ रहा है,
अगर आपके पास स्काई पान होगा तो ये येलो ही रहेगा, ये वो नहीं होगा, ग्रीन नहीं होगा, लेकिन अभी ग्रीन हो गया। ये पोर्ट 80 यूज कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है ठीक है। तो ये पोर्ट 80 जो है ना, ये स्काई भी यूज कर रहा होता है और ये भी यूज कर रहा होता है। यूजली इशू नहीं होता, लेकिन अक्सर कभी कभार आ जाए तो उसकी वजह ये होती है। एंटी डॉक्स में जाएंगे और हमने ये फोल्डर किया हुआ था रोमन 9, क्योंकि आप अपने लोकल सर्वर सेटअप किया है, आप लोकल होस्ट स्लैश पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका सर्वर ओपन हो जाएगा। ये सिर्फ तब ओपन होगा जब आपने जैम को एक्टिव किया होगा। अगर मैं जैम को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, स्टॉप स्टॉप लोकल होस्ट, क्योंकि मेरे पास चल ठीक है, उसने मुझे बता दिया दिस साइट कांट बी रीच ठीक है। अब मैं इसको अगेन स्टार्ट करता हूँ लोकल स्लैश, तो उसने मुझे मेरा लोकल सर्वर चला के दे दिया ठीक है। अब आपने जिस भी नेम से फोल्डर बनाया होगा, हमने यहाँ पे बनाया था नवंबर 9 के नाम से, आप जाएंगे लोकल होस्ट स्लैश /NOV9 ठीक है। मैं पासवर्ड बताता चाहता हूँ, हमने सबसे पहले ज़ैप इंस्टॉल किया है, उसको अपने सिस्टम पे सेटअप किया है, हमने वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है CMS सॉल्यूशन है wordpress.org से हमने डाउनलोड किया है। अब हमने अपलोडिंग कर रहे हैं वर्डप्रेस को होस्टिंग अकाउंट पे, तो ये जो हमने फोल्डर उठा के पेस्ट किया था नवंबर 9 के नाम से एटी डॉक्स में, तो ये हमने यहाँ पे होस्ट किया है, फाइल्स को अपलोड किया है यहाँ पे वर्डप्रेस की फाइल्स को, ये सारी वर्डप्रेस की फाइल्स हैं और ये हमने वो किया है। अगर हम यहाँ पे, मैं कन्फ्यूज नहीं करना चाहता लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि अगर हम किसी लाइव सर्वर पे अपलोड करना चाहते हैं तो यूजली सर्वर जो हैं वो आपके पास UK में होंगे, USA में होंगे या सिंगापुर में होंगे, जो भी जिससे भी आप परचेज करते हैं उनके सर्वर यूजली इन कंट्रीज में होते हैं ठीक है। तो उनको एक्सेस करने के लिए आपको वो या तो होस्ट एक्सेस देते हैं, उसे सी पैनल बोलते हैं, या फिर आपके पास FTP अकाउंट्स आते हैं ठीक है, जहाँ पर आप डिटेल सेंड करते हैं, साइट मैनेजर जाते हैं और यहाँ से आप जैसे देखें, अब ये मेरे पास डिटेल्स हैं, पासवर्ड है, मैं इसको कनेक्ट करूँगा, वो मुझे कहेगा ट्रस्टेड जी, आप फ्री होस्टिंग दे सकते हैं ठीक है। तो आप इस तरह जिस भी जो आपके पास डोमेन में जिसमें आप जाएंगे, आप देखेंगे इसमें ये पूरा एक बात होता है, आपने यहाँ पे सारी आपको फाइल नजर आ रही है वर्डप्रेस की, तो ये सारी वर्डप्रेस की फाइल आपने यहाँ पे रखी होंगी ठीक है। और बेसिकली आप यहाँ से इनको अपलोड करते हैं, मैं अगर कोई डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं इसको wp-config को डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, तो अब देखते हैं ये डाउनलोड होगी है ठीक है। मैं कोई और फाइल डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, अब ये सर्वर जो है ये ह्यूस्टन मेरे ख्याल में टेक्सास में है मेरा ख्याल है ठीक है, और मैं उनको फाइल जो है इसका ट्रांसफर कर रहा हूँ, वो यूज़ कर रहा हूँ ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि लोकल सर्वर था, अगेन जैम पे आते हैं, हमारे पास लोकल सर्वर था हमारे सिस्टम पे है, तो हमने वो फोल्डर उठा के यहाँ पे कॉपी कर दिया नवंबर 9 के नाम से, हमने इसको एक्सेस किया तो ये एक्टिव हो गया ठीक है। अब वो हमें कह रहा है कंटिन्यू करें इंस्टॉल करने के लिए वर्डप्रेस, हमने कंटिन्यू किया, अब वो कह रहा है वेलकम टू द वर्डप्रेस, आपने स्टार्ट करने से पहले आपको ये 5 चीज़ें जो हैं ये पता होनी चाहिए, आपके पास डेटाबेस नेम होना चाहिए, आपके पास डेटाबेस यूज़र नेम होना चाहिए, आपके पास डेटाबेस पासवर्ड होना चाहिए, आपको डेटाबेस होस्ट का नाम होना चाहिए और आपका टेबल प्रीफिक्स जो भी आपका पाथ होगा वो होना चाहिए ठीक है। जो भी नाम क्या कहते हैं प्रीफिक्स होगा ना आपके डेटाबेस का वो होना चाहिए ये आपको लिखना है ठीक है। आते हैं लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड पे, मैं अगेन जी आप एक्सेस करेंगे सिर्फ लोकल होस्ट लिखने से, लोकल होस्ट लिखेंगे आपके पास ये आ जाएगा, और PHE माई एडमिन ये डेटाबेस का सोल्यूशन है, ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, आप इसमें जाएंगे ठीक है। यहाँ पे आप डेटाबेस का आपको नाम मिलेगा, अब यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, आप डेटाबेस इसको क्या नाम देना चाहेंगे, नवंबर 9 ठीक है,
जो डिफॉल्ट मैंने कल भी बताया था कि डेटाबेस नेम जो है वो है नवंबर 9, डिफॉल्ट जो है यूज़र नेम जैम के अंदर वो रूट होता है, पासवर्ड एम्प्टी होता है, डेटाबेस होस्ट का जो पाथ है वो लोकल होस्ट होता है, और टेबल प्रीफिक्स जो है वो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप नवंबर 9 कर दें और आप इसको सबमिट कर दें। वो कह रहा है कि आपकी जो डिटेल आपने सेंड की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा वो करता हूँ, अगर मैं इसका यूज़र नेम वाला देता हूँ तो वो बता देगा अच्छा ये इस वजह से कंसिस्ट कर रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो पाथ चला दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, ये क्योंकि फाइल उसने जनरेट कर दी है, सॉरी जी, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन ठीक है, ये बात मैंने नाम गलत दिया था 33, तो मुझे बता रहा है कि आपका डेटाबेस कनेक्शन नहीं क्लियर रखता क्योंकि आपने पाथ गलत दिया था, ये मैंने बाद में किया था, ये कन्फ्यूजिंग हो गया थोड़ा सा वैसे। कंटिन्यू, लेट्स गो, हमारा पा नाम था नवंबर 9, रूट पासवर्ड ठीक है और 9। रन द इंस्टॉलेशन। अब आपको यहाँ पे अपनी साइट का नाम देना है, मैं देता हूँ नवंबर 9 क्लास, यूजर नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं रखता हूँ एडमिन, पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हैं, मैं रख रहा हूँ एडमिन, कंफर्म कर रहा हूँ admin@testing.com, और ये नारायण से पूछा आपको, मैंने साइट टाइटल दिया है, यूजर नेम दिया है, पासवर्ड दिया है, क्योंकि मैं वीक पासवर्ड रखना था कि मुझे याद रही, बोले जी लोकल सर्वर पे है, कभी भी लाइव सर्वर पे ये पासवर्ड ना रखिएगा, हमेशा सिक्योर पासवर्ड रखें। ठीक है, और ईमेल मैंने डमी ईमेल दिया है, यहाँ पे आप अपना वो ईमेल अकाउंट देंगे जो आप वेबसाइट से लिंक करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट डाउन होगी, आपकी वेबसाइट के साथ कोई मसला होगा तो आपको हमेशा ईमेल जान पे आएगी। ईमेल सर कैप्चा कोड्स की तरह के नाम रखें, कैप्चा कोड्स के नाम, कैप्चा कोड्स तो एक डिफरेंट चीज नहीं है, इसके अंदर आप बेसिकली वो जिनके आते हैं कि मतलब यूजर नेम और सॉरी पासवर्ड के अंदर आपके पास एक कैपिटल लफ्ज होना चाहिए, एक स्मॉल अल्फाबेट होना चाहिए, एक ये होना चाहिए और एक डिजिट होना चाहिए, तो मतलब ये सिक्योर पासवर्ड हो जाता है वैसे तो, लेकिन ये मुझे वेरी वीक कह रहा है। ठीक है, एडमिन में कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंस्टॉल पासवर्ड करते हैं, अगर आपको अगर आपने देखा हो स्क्रीन में तो आपको पहले शुरू में एक पासवर्ड नजर आया था जिसमें ये ग्रीन था, उस तरह के पासवर्ड रखते हैं यूजुअली, तो मैं वो पासवर्ड रख सकते किसी एक डॉक्यूमेंट में सेव करता रहता हूँ क्योंकि वो याद नहीं रहते, सिर्फ लोकल के एडमिन एडमिन होते हैं। ठीक है, ये एडमिन एडमिन मैंने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड दिया और ये हमने वर्डप्रेस का एडमिन एक्सेस कर लिया। ठीक है, मैं अब यहाँ पे आ रहा था, दोबारा हमने डेटाबेस और यूज़र क्रिएट किए, कॉन्फ़िगर WP कॉन्फ़िग फाइल, कि जब भी आप वो जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था ना, तो उसके बाद ये फाइल बन जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल नहीं होती, ये फाइल जो है ना जिससे हम आप यूज़र नेम और डेटाबेस यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, उसके बाद ये फाइल जो है ना वेबसाइट खुद ब खुद क्रिएट कर लेती है, इसके अंदर बेसिकली आपका सारा पाथ मैंशन किया होता है, और जब आप उसको किसी भी सर्वर से सर्वर पर चेंज करते हैं तो आप हमेशा इस फाइल को अपडेट करते हैं। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं रन द इंस्टॉलेशन, कंप्लीट द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, हमारे पास जो एक मेन वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो गया। ठीक है, हम विजिट वेबसाइट करते हैं, ये हमारे पास वेबसाइट बन गई है। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर अब एडमिन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एडमिन के अंदर सेटिंग होती हैं, सेटिंग्स के अंदर जनरल में जाते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आप साइट टाइटल है, साइट टाइटल क्या है जो यहाँ पे शो हो रहा है, आपको नजर आता होगा यहाँ पे चीज शो हो रहा है। ठीक है, नवंबर 9, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। अब हम यहाँ पे जाके चेंज कर देते हैं, मैं इसका नाम रखता हूँ हनी सिंह अकेडमी। ठीक है ना, और मैं इसको यहाँ से अगर आपने ईमेल एड्रेस चेंज करना हो तो आप ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपने फॉर्मेट जो है वो UK, US से डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपने कौन सा फॉर्मेट डेट फॉर्मेट शो करना है, आपने कौन सा टाइम फॉर्मेट शो करना है, आप वो चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, और एनी वन कैन रजिस्टर, यूजली आप नहीं एक्टिव करते अगर आपकी मेंबरशिप साइट नहीं है, तो अगर मेंबरशिप साइट हो तब आप इसको एक्टिव करते हैं, वरना नहीं करते, ये हैकर से बचने के लिए ठीक रहते हैं। आपका वीक स्टाफ कब स्टार्ट होता है, मंडे को जब रीजन भी स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, आप इसको सेफ चेंजेस करते हैं। मैंने जो चेंजेस की थी सब अकेडमी सम डमी टेक्स्ट, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, आप देखेंगे इसका टाइटल चेंज हो गया, ठीक है, सब डमी टेक्स्ट, तो ये जनरल सेटिंग्स हैं, ठीक है। परमालिंक्स जो हैं ये होता है, ये जैसे अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो अब इसके अंदर आपको ये पाथ नज़र आ रहा है, इसमें 2020 जो साल है, मंथ है, डेट है, उस दिन मैंने ये पोस्ट क्रिएट की है, वो इस वजह से कि मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। तो जो बेस्ट वे होता है वो होता है पोस्ट नेम, इसको सेव चेंजेस करें। अब आपका जो यूजर नेम है पाथ जो है ये चेंज हो जाएगा, अभी पेज नॉट फाउंड इसलिए दे रहे क्योंकि उसका पाथ चेंज हो गया, ठीक है। अब जो नया पाथ है वो है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और ये अच्छा रहता है क्योंकि यूजर को भी जा रहते हैं और आपको भी जा रहता है, अगर मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो इसका जो पाथ है वो क्या है, येलो मैनीडेसिस, अगर मैं उसका करूँ तो वो ब्ला 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 लिखा होगा और उसके आगे नाम लिखा होगा, तो वो लोगों को याद करना मुश्किल रहता है, तो कोशिश करें कि हमेशा आसान सा रखें, और क्योंकि ये कीवर्ड है येलो मैनीडेसिस, अगर मैं इसको अगेन गूगल पर जाऊँगा सर्च करूँगा तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे शो हो रहा है, और ये पिक्चर्स ये मैं आपको आगे बताऊँगा कि कीवर्ड की जो कुछ किस्में होती हैं, जिनमें से कुछ कीवर्ड होते हैं जो पिक्चर कीवर्ड होते हैं उनके ऊपर वेबसाइट नहीं बनानी चाहिए, मैंने बनाई हुई है, ठीक है, क्योंकि उनमें लोग पिक्चर देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अब ये भी अगर आप पाथ देखें तो ये भी मेरी वेबसाइट से आ रहा होगा, नहीं नहीं बता रहा, ठीक है। तो कुछ लोग पिक्चर देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ वेबसाइट जो है वो पिक्चर से रिलेटेड होती हैं, कुछ कीवर्ड जो है वो पिक्चर से रिलेटेड होती हैं, कुछ कीवर्ड जो हैं वो वीडियो से रिलेटेड होते हैं, जैसे आप फिटनेस पे जाएंगे या रेसिपीज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको यूजुअली वीडियोस नज़र आएंगी, ठीक है, और अगर आप फिटनेस के ऊपर कोई वर्कआउट ट्राई करना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो नज़र आएंगी, तो उनके ऊपर आप वेबसाइट यूजुअली नहीं बनाते, उनके अगर आप वीडियोज़ बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे, पिक्चर्स के ऊपर है तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट ज़्यादा बनाना पसंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि लोग उसको प्रेफर करते हैं। ये मैंने बस एक वो किया, ठीक है, और आगे आते हैं कि ये परमानेंट क्यों ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये बाकी चीज़ें जो हैं ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट, उसके अंदर जिस टाइम हम जाएंगे लाइव कर देंगे और वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ पे डिस्कस होंगी, ठीक है। जो हमने यूज़र नेम क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा होता है, एडमिन, यहाँ पे आप कोई नया यूज़र ऐड करना चाहें तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, वो डिलीट करना चाहें तो वो भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं पोस्ट के ऊपर, पोस्ट क्या है, जो ये आपको नज़र आ रही है हेलो वर्ल्ड के नाम से लिखी हुई, यहाँ से आप सिंपल जाएंगे तो CMS बेसिकली क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, इसलिए CMS ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि अगर मुझे कोई भी चेंज करनी है तो मेरे पास एक बड़ा सिंपल से एडिटर जैसे वर्ड होता है वैसे नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पर जो चेंज करूँगा इसके लिए वर्ड जो होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है, तो मतलब जो आपको नज़र आ रहा है और जो आप लिख रहे हैं वही यहाँ पे नजर, वही आपको फ्रंट पे भी नजर आएगा। वरना ये होता था कि आप कोडिंग में जाते थे, अगर मैं इसी में से किसी फाइल की कोडिंग में चला जाऊँ, जैसे ये कॉन्फ़िगर फाइल है जो फाइल हमने क्रिएट की है उस पाथ से, ठीक है, अब हेलो अलिस्तम लिखा है ये, लेकिन ये पाथ चेंज, इसका नाम चेंज हो गया, मैं यहाँ पे ये कॉन्टेंट कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, तो मैं अपडेट करता हूं, ये पाथ चेंज, ठीक, और आप यहां से पोस्ट एडिट करते हैं, जो भी आपने कॉन्ट लिखना होता है आप लगाते जाते हैं, अगर आपने कोई क्या कहते हैं लिंक ऐड करना है, ये लिंक ऐड करने का पाथ है, मैं इसमें ये लिंक ऐड करता हूं, ये मैंने लिंक ऐड कर दिया, इसको मैंने अपडेट कर दिया, मैं अगेन वो कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये लिंक आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे घुमा के कहाँ ले जाएगा, मेरी बेस्ट मैंने रेस्ट वाली वेबसाइट जिसका मैंने लिंक उसको दिया है, ठीक है, लेकिन इस पाथ में मेरे साथ क्या मसला हो रहा है कि वो यूज़र मेरी वेबसाइट छोड़ रहा है, तो मैं एडिट पर जाऊँगा, इसको
एक्टिव कर दूंगा। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। मेरा मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा आ गया। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं नजर आ रही। अब ये नजर आएगी, ठीक है? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बॉक्स आप, ठीक है? तो मैंने बता दिया था, ठीक हो, लिंक ऐड कैसे करेंगे। और अच्छा, मैं बता रहा था कि ये जो आप आसाम से यहाँ से चेंजेस कर लेते हैं, तो ये आप इस वजह से कर लेते हैं क्योंकि आप CMS यूज़ कर रहे हैं और यही वर्डप्रेस आपके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। जैसे आपने डेटाबेस के लिए यूजर नेम पासवर्ड और कुछ चीज़ें ऐड की थी, वो आपको बड़े सिंपल और फ्रेंडली इंटरफेस से आपने सब कुछ कर लिया था। अगर अदरवाइज ये सारा बोलो कोड है, किसी का एक माइक ऑन है, वो कहेंगे आपको क्या करूं? हाँ हाँ बोलो। ठीक है, ठीक है। जो अदरवाइज अगर आप कोडिंग के थ्रू कर रहे होते तो आपको ये पूरी फाइल क्रिएट करनी पड़ती, सिर्फ और सिर्फ एडमिन के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए, डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है? ठीक है। और जब आपने क्या किया था, आपने सिर्फ वो डेटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, लोकल होस्ट का नाम और टेबल प्रीफिक्स जो आपने प्रोवाइड किया था, टेबल प्रीफिक्स क्या था वो यहाँ पे आपको नजर आएगा। नवंबर 99 हमने मेंशन किया था, तो ये टेबल का पाथ है और यहाँ पे आपको बेसिकली वो जो आपने पाथ किया था उसके पीछे आपका पूरा टेबल बनता है। दिस इज द टेबल जहाँ पे आपको यूजर नेम मेंशन है, जैसे आपने जो पोस्ट क्रिएट की है जो आपको यहाँ पे इस तरह नजर आ रही है, ये आपके डेटाबेस में इस तरह नजर आ रही होती है, ठीक है? ये तो जो CMS है, जो सॉफ्टवेयर है, बेसिकली आपको वर्डप्रेस जो है वो आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप अगर टेक्निकल नहीं है, टेक्निकली वो नहीं है, साउंड नहीं है कि आपको चीज़ें नहीं, कोडिंग नहीं आती, प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो उसके बावजूद आप जो है सब कुछ वेबसाइट बना सकें, वेबसाइट पर काम कर सकें, हर सेक्टर हर सेक्टर, ठीक है? जिससे हमने ये ब्लॉग बनाया, जिससे हमने ये पोस्ट बनाई, ठीक है? मैं वापस जाता हूँ वर्डप्रेस पे। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई है ना? पहले मैं वो भी कर लूँ। सर ये लिंक ऐड करने के अलावा सब समझ आया? लिंक ऐड करने के अलावा सब समझ, वो मेरे ख्याल में उस टाइम मेरा सिस्टम डाउन हो गया था। मैं बताता हूँ आपको, मैं एक नई पोस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है? इस पे हम टाइटल को भी देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं ये कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है? और पाथ लिंक जो था ना, लिंक जो है कि अगर आप किसी भी किसी भी अपने वेबसाइट के ऊपर कंटेंट को किसी दूसरी वेबसाइट के साथ या अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ पाकिस्तानी यानी इंडियन डिज़ाइनर्स में जाता हूँ, ये है लिंक ऑप्शन, और मैं इसको लिंक कर देता हूँ। अब बाय डिफॉल्ट जो लिंक एक्टिव हो गया और मैं इसको सिंपल पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश, जब नया वो था ये टॉप पे शो हो रहा है, जो पुराने वाला था बॉटम में चला गया है, मैं इस पे हाई पे जाता हूँ, यहाँ पे लिंक एक्टिव हो गया, ठीक है? अब लिंक एक्टिव हो गया, सॉरी। ये लिंक आ गया, ठीक है? अब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, ये क्या करेगा, ये मेरी वेबसाइट को छोड़ गया है और ये उस वेबसाइट पे चला गया, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम इस लिंक पे जाते हैं, इसको एडिट करते हैं और इसमें यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब, ये न्यू टैब एक्टिव हो गया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, जब कोई भी यूजर क्लिक करेगा तो वो बेसिकली मेरी वेबसाइट नहीं छोड़ के जा रहा, मेरी वेबसाइट उसके टैब पे ओपन रहेगी, जो जिस वेबसाइट पे जाना था वो एक नई टैब में ओपन हो जाएगी,
ठीक है, तो मेरी वेबसाइट जो है ना उसको उसको यूजर भूलेगा नहीं, वो हमेशा उसी टाइम में शो होती रहेगी, ठीक है। और इसमें दो तरह के लिंक होते हैं, एक्सटर्नल लिंक होते हैं, इंटरनल लिंक होते हैं। एक्सटर्नल लिंक होते हैं जो आप बाहर वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, और इंटरनल लिंक्स होते हैं जो आप अपनी वेबसाइट के साथ विद इन द वेबसाइट जो है ना वो करते हैं, ठीक है। जैसे ये है, ये एक्सटर्नल लिंक है, ये जुरिया डोर के ऊपर मुझे लेके जा रहे हैं, इसमें शायद कोई, हाँ ये देखे, ये इंटरनल लिंक है। तो ये इस लिंक पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये हमेशा मैं ओपन कर रहा हूँ न्यू टैब में, क्यों, क्योंकि ताकि यूजर मेरी वेबसाइट ना छोड़े, मेरी वेबसाइट उसके सिस्टम में नज़र आती है। अब मेहंदी आउटफिट फॉर ब्राइडमेड्स है, ये मेरी ही वेबसाइट के अंदर है, तो मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो वो इसी पेज के ऊपर ओपन हो रहा है, क्यों, क्योंकि एट दी एंड वेबसाइट तो मेरी है ना, ठीक है। तो ये हिस्सा कनेक्ट करते हैं आप इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स को। यहाँ पे दो सवाल भी हैं, सर ये सेम इसी तरह बना के इंस्टा पे भी लगा सकते हैं। इंस्टा पे कैसे, मतलब सर ये छोटी सी स्टोरी बना के इंस्टा के ऊपर एक जो ब्लॉग सा बना के उसके ऊपर और उसके साथ लिंक एफिलेट करके, तो इस तरह भी कर सकते हैं। इंस्टा पे वो नहीं होता ना, लिंक नहीं लगता, इंस्टा लिंक सपोर्ट नहीं करता। लेकिन फेसबुक करती है, फेसबुक करता है। फेसबुक पे आप लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। जब आप अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करते हैं या अपने पेजेस की मार्केटिंग करते हैं तो आप लिंक लगाते हैं और वहाँ पे लिंक शेयर करते हैं, लेकिन उसमें भी ख्याल होता है कि मतलब लिंक बहुत ज़्यादा शेयर ना करें, लिमिटेड हद तक शेयर करें। और ये टाइमिंग के बारे में दो बच्चों ने कहा कि टाइमिंग जो है वो 9 to 11 कर दें। देखिए आज का सेशन तो तकरीबन ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया, मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कम्प्लीट इंस्टॉलेशन कर दी। तो यहाँ तक आप लोगों ने रिपीट करना है, एक दफ़ा से ट्राई करना है, फिर मुझे शो करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आप कैसे थीम चेंज कर सकते हैं, कैसे प्लगइन। नेक्स्ट सेशन जो है ना हमारा इंशाल्लाह, अगेन जाता हूँ, हाँ वो इसके बारे में होगा कि आप थीम कैसे कॉपी कर सकते हैं, थीम को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, और डिफरेंट किस्म की वेबसाइट हम उसमें इंशाल्लाह बनाना भी सीखेंगे कि अगर आपने एक कॉर्पोरेट वेबसाइट बनानी है तो वो कैसे बना सकते हैं, आप ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं तो वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और टाइमिंग की मुझे काइंडली बताइएगा, 9 to 11 दो बंदे कह रहे हैं कि हम वो कर दें, मतलब टाइमिंग जो है वो 9 कर दें, ठीक है या नहीं, ठीक। पहले जवाब दे दीजिएगा और एग्री। अच्छा एक उस्मान, अच्छा मेरी जो दोबारा कनेक्ट हुई है, एक सवाल जो था वो किया था मुझे, भाई का नाम भूल गया, फारूक आपने किया था ना, मैंने कहा था मैं आपको बाद में जवाब दूंगा, क्वेश्चन याद है आपको? जी सर मैंने एफिलिएशन का पूछा था। जी, आपने एफिलिएशन का पूछा था, एक क्वेश्चन आपसे पहले भी आया था, वो फारूक हैं, उन्होंने सवाल किया था। ठीक हो गया, मोस्टली एग्री हैं, चले सो हम वो करते हैं। हाँ डोमेन इज आईपी, ठीक है, आईपी है जो आईपी एड्रेस क्या होता है बेसिकली, जो डोमेन, हाँ जी जो डोमेन नेम है ना, हाँ डोमेन इज आईपी, एपीआई, एपीआई नहीं आईपी एड्रेस, ठीक है। तो वो जो है मैं आपको बताता हूँ, दिस इज बेस्ट मैनी ड्रेसिस, आपको ये पाथ नजर आ रहा है 16.6.96.147.110, तो ये एक्चुअली है मेरी डोमेन का आईपी एड्रेस, जहाँ पे मेरा सर्वर जो है उससे तक कनेक्ट हो रहा है। और आप देखते हैं क्योंकि आजकल जो सर्वर है ना वो कैश सपोर्ट करते हैं, दुनिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सर्वर जहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं ये चेक करें, जहाँ से मेरी वेबसाइट एक्सेस की जा रही है, ठीक है, मुख्तलिफ आईपी एड्रेस जो है वो ये चेक करें, ठीक है। और ये सवाए इस टाइम पे अगर कोई एम्स्टरडेम नेदरलैंड्स के अंदर यूज़ कर रहा होगा तो उससे मेरी वेबसाइट एक्सेस नहीं हो रही होगी, वो नॉट श्योर, क्यों, वो सर्वर का कोई ग्लिच आ रहा होगा, बाकी तकरीबन हर जगह पे इस आईपी एड्रेस से। और क्योंकि ये आईपी एड्रेस याद रखना आसान मुश्किल काम होता है, तो उन्होंने इसको चेंज करके डोमेन नेम के साथ लिंक किया हुआ है, तो हमें जो है वो फ्रेंडली नाम नज़र आता है, जैसे CMS है कि हमें CMS जो है उसके पीछे पूरी कोडिंग नज़र नहीं आती, तो इसलिए डोमेन नेम जो है ना ये बेसिकली एक सिंपल सा एड्रेस होता है किसी भी जगह पर जाने का, ठीक है। और बेसिकली उसकी जो पीछे बैक है
कि आप घर कैसे बनाओगे, वो चीज़ है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ठीक है कि आईपी एड्रेस ही डोमेन नेम होते हैं, और आपका सवाल था एफिलिएशन के बारे में, ठीक है ना, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना, उसके अंदर मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं जिनके थ्रू आप वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक है शेयर अ सेल है, अगर मैंने ठीक नाम लिखा है तो, ठीक है, शेयर अ सेल है, ठीक है, और जो सबसे मशहूर है वो है अमेजन एफिलिएट। ठीक है, आप अमेजन एफिलिएट वेबसाइट पे उस पर जाते हैं, अकाउंट पे जाते हैं और इस पे जाते हैं, लेकिन दोनों पे आपको अकाउंट बनाने के लिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए और आपके पास होना चाहिए क्या, ट्रैफिक वेबसाइट पे, जो ट्रैफिक वेबसाइट पे आ रही हो और इसके थ्रू आप अर्निंग कर सकें, जो अर्निंग कर सकें, क्योंकि आप जब अमेजन के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो उनकी डिमांड होती है कि आप नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर कम अज़ कम 3 सेल्स लाजमी करें फ्रॉम द लिंक्स दे विल प्रोवाइड, और उनकी ये शर्त होती है कि आप ये जो लिंक हैं ये सिर्फ फेसबुक या ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है, लेकिन आप पिंटरेस्ट पे शेयर नहीं कर सकते, पिंटरेस्ट पे बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन अगर आप पिंटरेस्ट पे करें तो आपका अकाउंट सी ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, और आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट पे मेरे पास एक यहाँ पे जो मैंने वेबसाइट पर थोड़ी पहले गैरेज जिम प्रो के नाम से थी, मैंने एक आप यहाँ पे बेसिकली अकाउंट बनाएंगे, साइन अप करेंगे, वो पूरा प्रोसेस इनका फॉलो करेंगे, वहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना, मेंशन करना होगा कि आप किस वेबसाइट के ऊपर लगाना चाह रही हैं, वो शुरू में आपको वैसे ही अप्रूव कर देगा, रिव्यू नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा, और आपको कहेगा कि आप 3 सेल्स करें, जब आप 3 सेल्स कर लेंगे उसके बाद वो आपकी वेबसाइट रिव्यू करेगा, अगर आपकी वेबसाइट उसकी जो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है उनमें पूरा होता रहे, वेबसाइट कोई इलीगल चीज़ सेल नहीं कर रही, वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लिंक लगा दिया आपने, वेबसाइट कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है, वेबसाइट जेन्युइन है, तो वो आपकी वेबसाइट प्रूव कर देगा, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं है तो आपकी वेबसाइट जो है ना ब्लॉक कर देगा और आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप अगेन अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट अच्छी बनाएं और वो करें तो ठीक है। जैसे अब ये है, ये अमेजन एफिलिएट वेबसाइट है, ठीक है, ये रिव्यू कर रहे हैं किसको, पावर रैक्स एंड स्क्वाट रैक्स के ऊपर, ठीक है, जो आप घर के अंदर ये छोटा सा जिम की चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर आप जाएं तो उसने लिखा हुआ है फुल रिव्यू हियर, आप इस पे जाते हैं और यहाँ पे उसने बताया चेक प्राइस ऑन अमेजन, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा ये मुझे अमेजन पे ले जाएगा, और ये देखिए इसने टैग दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ आ रही है, जो चीज़ परचेज की जा रही है वो ये इस यूज़र के रेफरेंस से परचेज की जा रही है, तो 24 आवर में अब मैं amazon.com से कोई भी चीज़ परचेज करूँगा इन भाई को उसका कमीशन मिलेगा। कमीशन क्या मिलेगा, वो डिफरेंट रेट्स होते हैं, वो 2% से शुरू 1% शुरू हो जाते हैं और आजकल 10% तक जाते हैं, तो उसमें फिर आपको ढूंढना होता है कि आप किस टॉपिक पर बनाएंगे और कैसे बनाएंगे और कैसे कैसे बनाएंगे, वो मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा भी बताऊंगा भी कि वो कैसे, लेकिन वो भी मेरे को नेक्स्ट स्टेज में। सर ये एफिलिएशन अलीबाबा और दराज से भी कर सकते हैं ना? दराज एक टाइम पे ऑफर करता था, आजकल नहीं कर रहा, ठीक है, दराज का एफिलिएट प्रोग्राम एक टाइम पे था लेकिन आजकल वो रिप्लाई नहीं करते, लेकिन से अलीबाबा तो कर रहे हैं ना, अली एक्सप्रेस कर रहे हैं, अली एक्सप्रेस का एफिलिएट प्रोग्राम है, लेकिन वहां पे अर्निंग बहुत कम होती है, अर्निंग अच्छी करनी है तो वो आपके पास अमेज़न है, ठीक है, यूएसए यूके की जो चीज़ें हैं वो आपको अर्निंग अच्छी देती है, तो अगर आप एडसेंस का ब्लॉग भी सोचें तो आप वहाँ पे ट्राई करें, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जैसे ये ब्लॉग मेरे पास है, ठीक है, अब इस पर 22 आर्टिकल्स हैं, 22 मैंने पोस्ट क्रिएट की हुई हैं, लेकिन ये टारगेट मोस्टली पाकिस्तान में कर रहा है, तो अगर पाकिस्तान में कोई मेरे लिंक पे क्लिक करेगा या पाकिस्तान में कोई मेरा ऐड रिव्यू करता है तो उस पर जो मुझे अर्निंग है वो तकरीबन 1 रुपया, और अगर व्यू है तो वो 1 पैसा होती है, ठीक है, और अगर यही क्लिक या यही रिव्यू जो है कोई यूएसए में कर रहा है तो वहाँ पे मुझे 137, 140, 150 तक मिलते हैं, ठीक है, इसी के अंदर फिर लो CPC कीवर्ड्स होते हैं, हाई CPC कीवर्ड होते हैं, लो CPC कीवर्ड हैं जिसका नाम वो करते हैं, वो उसे बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, गूगल जो है ना जो भी रेवेन्यू एक बंदे से परचेज कर रहे हैं उसका एड हमारी वेबसाइट पर शो करने का, उसमें से 68% वो वेबसाइट को देते हैं और बाकी 32% अपने पास रखते हैं।
तो अगर आप हाई सीपीसी वेबसाइट के ऊपर क्या कहते हैं बनाएंगे अपनी वेबसाइट, वहां पे अगर यूजर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास एक क्लिक भी आता है तो वहां पे ऐसे भी कीवर्ड्स हैं जहां पे आपको $100 जो है ना वो मिल रहा है। जैसे शेयर अ सेल जो है, मैंने साइट कहीं ओपन की थी, नॉट श्योर कहां, ये इसमें, ठीक है, इनके पैकेज बहुत अच्छे हैं अगर ये आपको मिल जाए, ठीक है, ये वेबसाइट अगर आपकी यहाँ पे अप्रूव हो जाए, ठीक है ना, आपको होस्टिंग के ऊपर जैसे होस्टिंग अकाउंट हैं अगर उनके ऊपर जो आपको सीपीसी मिल रहा है वो आपको पर क्लिक जो आपको रेफरल जो है आपको कमीशन मिलता है वो $125 तक मिलता है, ठीक है, पर रेफरल। तो वो अगर आपका वहाँ पे यहाँ पे वेबसाइट अप्रूव हो जाए तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। और वो बेसिकली फिर अगेन आपके ऊपर आएगा कि आप किस टॉपिक पे वेबसाइट बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम एसईओ को डिस्कस करेंगे ना यहाँ पे, यहाँ पे हम जो नीच रिसर्च है ना इसके अंदर इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आप कैसे फिर उसको बना सकती हैं और कैसे वो कर सकती हैं। और आप में से जिन लोगों ने ऑलरेडी वर्डप्रेस काम किया हुआ है ना वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, लेकिन वो मुझे ईमेल कर दें, मैं उनको आपको वहाँ पर रिप्लाई करता चाहूँगा, ठीक है, लेकिन ईमेल कीजिएगा, मैं ईमेल को ज़्यादा रिप्लाई करने में वो मुझे आसानी रहती है, ठीक है, तो मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको रिप्लाई करता चाहूँगा, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी वर्डप्रेस पे काम किया हुआ है और आप सिंपल ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, और इनमें एक और था अगर वो भी हैं, अब मुझे क्योंकि नाम मैंने हाँ किन्जा नाम ना आपने भी वेबसाइट बनाई थी, तो अगर आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं और आपकी वो चीज़ें अच्छी हैं और आप, लेकिन विक्स को लेकर चलना मुश्किल काम है, अगेन मैं उस पर रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर वर्डप्रेस पे काम करना चाह रही हैं तो वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम कर देते हैं कि लोग आप में से जो जो आप में से राइटिंग किसकी अच्छी है, राइटिंग किसकी अच्छी है? सर राइटिंग का तो इतना इश्यू नहीं है, राइटिंग तो कहीं से भी इंसान वो लेके ना कर सकता है कि जगह जगह से पढ़ के और फिर उसको एलैबोरेट कर लें, थोड़ा सा रीराइट कर लें, ये समराइज कर लें, ये बेसिकली उसमें आपको समराइज करेंगे तो फिर तो वर्ड कम हो जाएंगे ना, आपको 1000 वर्ड चाहिए होते हैं कम से कम एक अच्छे ब्लॉग पे पर पोस्ट, ठीक है, लेकिन बेसिकली उसको रीराइट करते हैं। जैसे मैंने कुछ वेबसाइट पे निकल एक शेयर भी की थी माइक्रो ग्रीन्स वाली, तो वो हमने टोटल रीराइट की हुई है। मैं पर्सनली जो है फिलहाल खुद इस तरह काम पे करता हूँ, किसी की अच्छी वेबसाइट देखता हूँ जो जिसपे कंपटीशन कम हो, मैं उसको रीराइट करके अब क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर कोशिश करता हूँ कि ऐसे अच्छी बनाऊँ ताकि मेरी वेबसाइट रैंक हाई हो जाए, ठीक है। ये मैनी ड्रेसिस है, ये भी मैंने कहीं देखी थी, किसी मैनी ड्रेसिस डॉट पी के नाम था शायद, ये मैनी ड्रेसिस अभी भी शायद शो होती होगी रैंक में कहीं ना कहीं। सर मैं ना वर्डप्रेस को यूज करके एक्चुअल में चाह रही कि मैं ब्लॉगिंग करूं, ब्लॉगिंग के अंदर साथ एफिलिएशन मार्केटिंग ऐड करके ना, तो उससे मैं इनकम जनरेट करना, इनकम ऐसे ही जनरेट होगी। इनकम जनरेट के जो ऑप्शन है ना मैं आपको बताता हूँ, इनकम जनरेट के जो ऑप्शंस हैं वो ये होते हैं जो आजकल पाकिस्तान में ज्यादा लोग कर रहे हैं। नंबर वन एडसेंस, जो आप एड शो करते हैं, ये एड शो हो रहे हैं, ये दिस वन, ठीक है, इससे आपको इनकम मिलती है गूगल से, नंबर वन। नंबर टू मैंने वो वेबसाइट शायद क्लोज नहीं की, तो हाँ दिस वन, ये आपको इनकम देगा अमेजन से, यहाँ से जो भी लोग परचेज करेंगे तो ये एफिलिएट इनकम आ जाती है। और तीसरी ऑप्शन जो है ना इन वेबसाइट को फ्लिप करने से, जब आपकी वेबसाइट आपको 6 से 8 माह में मसलसल अर्निंग दे रही हो, 50-75 या ज़्यादा डॉलर दे रही हो, 250 जितनी भी ज़्यादा दे रही होगी, उस वेबसाइट को फिर आप जाके आपको आइडियाज चाहिए, ये flipper.com बेहतरीन वेबसाइट है आइडियाज ढूंढने के लिए। नॉट श्योर मैं इस टाइम इसके साथ लॉग इन हूँ कि नहीं हूँ, आप flipper पर जाएंगे और flipper पर आपको जो है ना यहाँ पर आप वेबसाइट सेल कर देते हैं, जहाँ पर आपको यूजली अच्छे रेट मिल जाते हैं। मैंने खुद 2 वेबसाइट जहाँ पर सेल किए हैं और पूरी दुनिया से, मेरा एक बार जो था वो इंग्लैंड का था, एक जो था वो नेपाल का था, लेकिन बेसिकली स्पेनिश का था, आजकल रहता नेपाल में था, कौन सा वो, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे वेबसाइट मिल जाती है, यहाँ पे लोग अपनी वेबसाइट सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर मुख्तलिफ उसके ऊपर, ये चेक करें, आप जाते हैं सी ऑल वेबसाइट्स, तो जो मोनेटाइजेशन का प्रोसेस है ना वो ये है, आप वेबसाइट बनाते हैं, ट्रैफिक जनरेट करते हैं, उस पर एफिलिएट और एडसेंस अप्रूव करवाते हैं, अर्निंग स्टार्ट करते हैं, 6 से 8 माह अच्छी अर्निंग करते हैं और उसके बाद उसको सेल करते हैं, जो आजकल पाकिस्तान में ज़्यादा फॉलो किया जाता है। दूसरा भी होता है कि आप कोई अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करें
उसके ऊपर एक जनरल ब्लॉग बनाए प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के है, वो इज मेकिंग अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ इनकम फ्रॉम हिज ब्लॉग. तो वो उसने पाकिस्तान की टारगेट के ऊपर ऑडियंस के ऊपर बनाया हुआ है, लेकिन वो जो अर्निंग है उसके ऊपर क्या दूसरे वेज हैं वो उन पर एड शो कर रहा है डायरेक्ट लेके. ठीक है, तो वो ऑप्शन भी होती हैं. तो अब देखिए यहाँ भी वेबसाइट सेल हो रही हैं. सर ये अमेजोन की जो एफिलिएशन है ना, इससे अमेजोन वाले पर प्रोडक्ट अपने 15% टू 10-15% ना आपको एफिलिएशन के ऊपर पे करते हैं, और सेम अलीबाबा भी इस तरह ही करते हैं. अमेजोन के जो रेट्स हैं वो स्पेशली कोविड के बाद उन्हें गिरा दिए हैं, और 15% कभी भी नहीं देते, वो 1 से लेकर आपको मैक्सिमम 10% तक दे रहे हैं. जो मैंने लास्ट टाइम चेक किया था आपको अमेजोन एफिलिएट रेट्स. और इसमें भी जो 10% दे रहे हैं वो लग्जरी आइटम के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर दे रहे हैं, उनके ऊपर वेबसाइट रैंक ही नहीं होती. इन दोनों और सर वो इस किस्म के आइटम है ना, जिस तरह एंड्रॉइड फोन्स, लैपटॉप्स, इन इन चीजों के ऊपर. देखिए वो यहाँ पे आपको ये देखिए ना, आपको नजर आ रही है स्क्रीन, नजर आ रही है अगर आप स्क्रीन देखें तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कमीशन क्या दे रहे हैं. वो 10% दे रहे हैं लग्जरी ब्यूटी के ऊपर, वो सिर्फ मेकअप की और इससे की चीजें जिनके ऊपर वो दे रहे हैं, जैसे कॉइन्स हैं उनके ऊपर दे रहे हैं 10%. बाकी ये जो है हैंडमेड चीज़ें हैं, डिजिटल वीडियोस हैं, फिजिकल म्यूजिक है, डिजिटल म्यूजिक के ऊपर 5% दे रहे हैं, फिजिकल बुक्स, किचन के जो जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्लॉग हैं. मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक, अगर मेरे पास मौजूद है कहीं तो ठीक है. ये काफ़ी अच्छी प्राइस में सेल हुआ है कुछ अर्सा पहले फ्लिपा के ऊपर. ठीक है, और किचन की अगर चीज़ें हैं, अगर आप इनमें से कोई चीज़ सेल करें जिसमें वुमेन फैशन है और प्राइवेट लेबल है, अप्रैल है, क्लाउड सर्विसेज है, टीवी एडिशन ब्ला ब्ला ब्ला, इनमें 4% मिल रहा है और इससे अच्छा मिल रहा है. और बेसिकली ये है कि अगर आप चीज़ अच्छी बेच रहे हैं, जैसे फर्नीचर बेच रहे हैं, तो फर्नीचर पर अगर आपको 3% कमीशन मिल रहा है तो काफ़ी होता है, क्योंकि फर्नीचर आइटम जो है वहाँ पर आपको $100, $200, $300 के होंगे, तो उनके ऊपर अगर कमीशन आपको 3% मिल जाता है तो वो अच्छा कमीशन है. ठीक है, ये किचन की है, इस पर आपको 4.5%. लेकिन फिर इसके अकाउंट में हमें पीछे यूके की लोकेशन डालनी पड़ेगी कि हम पाकिस्तान की लोकेशन डाल के इसको कर लें, कोई इशू नहीं होगा? पाकिस्तान की लोकेशन से जो एफिलिएट एसोसिएट अकाउंट है ये आप आराम से पाकिस्तान में बना सकते हैं. मेरे पाकिस्तान से अपने अकाउंट है, इनमें कोई इशू नहीं है. या आपके घर में आपके अकाउंट में बैंक अकाउंट में पैसे भिजवाते हैं वो कोई इशू नहीं है. अमेजन एसोसिएट का ऐसा कोई मसला नहीं है. ठीक है, ना एडसेंस का ऐसा मसला है. एडसेंस भी पाकिस्तान से अकाउंट में बनाए वो चलेगा, अफिलियट अमेजन का भी आप पाकिस्तान से बनाएं वो चलेगा, कोई मसला नहीं करेगा. ठीक है, बाकी असल चीज़ ये होती है जो मैटर करती है वो होती है आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी बनी हुई है और कितनी अच्छी चल रही है और कितनी ट्रैफिक है उसके ऊपर. अगर उसके पास ट्रैफिक अच्छी है, वो अच्छी चल रही है, तो आप जहाँ भी अप्लाई करेंगे आपको वो एक्सेप्ट कर लेंगे. वेबसाइट बनाने के बाद इसको शेयरिंग के ऊपर भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो उससे भी फर्क पड़ता है. जो रिकमेंडेशन जो मैं मोस्टली रिकमेंड करते हैं, मुझे करते हैं कि खुद कभी भी शेयर ना करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कभी भी शेयर ना करें. ठीक है, उसी वजह ये होती है कि वो जो ट्रैफिक होती है ना वो फेक ट्रैफिक होती है. ठीक है, और जो SEO सीखने का सोल पर्पज़ जो होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखने का सोल पर्पज़ जो होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप रैंक पर शो हो. टॉप रैंक पर शो होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बगैर किसी एफर्ट के आपकी वेबसाइट अर्निंग दे रही होती है. अगर आप उसको शेयरिंग के थ्रू स्प्रेड करना चाहते हैं, अगर आप उसको फेसबुक की प्रमोशन के थ्रू स्प्रेड करना चाहते हैं, तो आपको उस पर खर्चा करना पड़ेगा. अगर आप फेसबुक से करना चाह रही हैं ना लिंक शेयर करना, तो वो 3 दिन तो आपका लिंक शेयर करेगा, चौथे दिन आपकी जो रीच है ना वो डाउन कर देगा. अगर आपकी वेबसाइट पर 10,000 फॉलोअर्स है ना, तो शायद उनमें सिर्फ 100 को दिखाएगा आपका लिंक, बाकी 49,900 को दिखाएगा ही नहीं. वो कहेगा मुझे पे करें. ठीक है, तो वो आप पे करके अपने वेबसाइट पे अगर आप ट्रैफिक ले रही हैं तो वो आपका हिसाब बराबर ही हो जाएगा. आप चीज़ सेल कर रही हैं उसमें शायद आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन अगर आप एडसेंस से या कमीशन से कमाना चाह रही हैं तो आपको कोई खास इनकम नहीं होगी. ठीक है, और फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं तो आप उनको जो लिंक सेंड कर रही हैं, शेयर कर रही हैं, तो क्या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली वो चीज़ें परचेज करेंगे? ठीक है, तो वो लाजमी तो नहीं है वो चीज़ें परचेज भी करें, स्पेशली अगर वो पाकिस्तान में है तो उसका तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा उस ट्रैफिक का. तो ट्रैफिक हमेशा वो ट्रैफिक जनरेट करें जिसमें चीज़ परचेज करनी है, जो उसमें इंटरेस्टेड होगा. तो उसके लिए उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ करते हैं. सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ का ये है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ,
बेस्ट रोइंग मशीन 2020. तो अब मेरे पास ये फर्स्ट कमीशन आ रहा है, ठीक है, दिस वन. मैं इस पे जाता हूँ cnet.com के ऊपर अब. लेकिन कुछ मैं आपको दिखा भी देता हूँ. अगर मेरे पास नील पटेल साहब के ओपन ने यहाँ पे जाते हैं, ये कीवर्ड है मेरा बेस्ट रोइंग मशीन, इसको आप सर्च करते हैं. ये रखिए, सारे के सारे वो लगे हुए हैं, एफिलिएट लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है. अब मुझे ये लिंक तो किसी ने शेयर नहीं किया, और ये लिंक वो अपने किसी के साथ शेयर करने हैं. उन्होंने सिर्फ ये किया, उसकी इतना अच्छा ऑप्टिमाइज किया है कि मैं पाकिस्तान में बैठ के देख रहा हूँ, या मैं यूके में बैठ के देख रहा हूँ, या मैं यूएस में बैठ के देख रहा हूँ, तो ये लिंक मुझे टॉप पे शो हो रहा है. अब रिटेल कितने लोगों को टॉप पे शो होता है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. अगर ये ओपन होता था तो ठीक है, इस पे जो एवरेज पर मंथ ट्रैफिक है वो 2400 है, ठीक है, बेस्ट रोइंग मशीन 2400. और यहाँ पे इन्होंने वो नहीं शो किया हुआ बना. यहाँ पे लिंक शेयर करते हैं कि आपके पास यूजली कितनी ट्रैफिक जो है ना वो पर मंथ आ रही है, तो वो ट्रैफिक आपके पास आ रही होती है. वो ट्रैफिक जो है बगैर किसी एफर्ट के, उन्होंने एक दफ़ा एक आर्टिकल लिख दिया, उसको अच्छा लिख दिया, और वो टॉप पे शो हो रहा है. अब वो बेचक दो साल सोए रहे, ये टॉप पे शो होता रहेगा अनफिनिशली, कोई बंदा इसको आउट रैंक कर दे, ठीक है. तो ज़्यादा फायदे की चीज़ है बजाय कि आप लॉन्ग सेलिंग शेयर कर रहे हो. ये एफिलिएट मार्केटिंग है. अच्छा हसन साहब, राइटिंग स्किल अच्छे नहीं है, कोई मसला नहीं है यार, इंशाल्लाह वो उसके भी टैक्टिक्स मौजूद है. अगर स्किल अच्छे नहीं है ना, वो भी लोग कर लेते हैं मैनेज, वो भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट में रहिएगा, इंशाल्लाह सिखाएंगे. लेकिन ये है कि राइटिंग अच्छी होना प्लस पॉइंट है और फ़ायदा मिलता है. अगर नहीं है तो कोशिश करें अच्छी हो जाए, वैसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है. कोई और क्वेश्चन? और इनका है डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग. ये एफिलिएट मार्केटिंग है. डिजिटल मार्केटिंग भी ये है जो ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप इसको शेयर करना चाहेंगे किस पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एटसेट्रा एटसेट्रा पे. और ये जो चीज़ है ये एफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है, इस वेबसाइट की जो इस प्रोडक्ट, और जो इस प्रोडक्ट वेबसाइट ने खुद किया हुआ है वो इसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हुई है. तीन डिफरेंट टर्म्स है. कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? अब ये कोशिश ये कीजिएगा सारे कि वो काइंडली जो मैंने प्रोसेस बताया है इसको एक दफ़ा अपने सिस्टम पे रिपीट कीजिएगा, और मुझे स्क्रीनशॉट्स लाजमी सेंड कीजिएगा, ठीक है, ग्रुप में सेंड कर दें या ईमेल पे सेंड कर दें, तो मुझे वो लिंक काइंडली सेंड कर दीजिए. कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछते रहिएगा, मैं इंशाल्लाह बताता रहूँगा. और ये जो एफिलिएट है, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, या ऐसी हो ये इंशाल्लाह ताला जब हम नेक्स्ट टाइम में जाएंगे, जब पूरा हम वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे, जब वो हो जाएगा, तो आपको मैंने ईमेल नहीं की, मैं ईमेल आपको कर देता हूँ दोबारा. मैंने क्योंकि अभी ईमेल सेंड की थी, तो वो शायद मैंने भी पुराने जितने भी जो जिन्होंने कॉन्टेक्ट किया हुआ था उनको मैंने सेंड कर दी थी, तो मैं आपको भी ऐड कर देता हूँ इसमें इंशाल्लाह. सर ईमेल मुझे भी नहीं मिली थी कोई भी. आपको भी नहीं मिली थी? मैंने एक ईमेल की तो है अभी, तकरीबन सबको ही की है. क्या आपकी किस नाम? मैंने दो ईमेल किए, एक मैंने 9:30 पे की है और एक मैंने 10:02 पे की है शायद, जिसमें मैंने जूम लिंक सेंड किया था, और एक मैंने पहले की थी जिसमें बताया था कि आप ग्रुप ज्वाइन किया मैंने साहू ने, फेसबुक का जो ग्रुप है. आपको भी ईमेल दे दूं?
ठीक हो गया, ग्रुप में क्या हुआ? आपको तो ईमेल मैंने किया है, अच्छा आप दोनों को नहीं मिली। मैं चेक करता हूँ कि क्यों नहीं मिल रही, ठीक है? मैं नहीं तो मैं आपको कहते हैं फेसबुक पे आप दोनों को मैसेज करके, सारों को जो चार पांच बंदे जिन्होंने कहा उनको ईमेल नहीं मिली, मैं उन सारों को ना दोबारा ग्रुप का लिंक सेंड कर देता हूँ कि आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर लें और ईमेल एड्रेस भी दे देता हूँ, ठीक है? और ईमेल एड्रेस जो है साइमा के नाम से आती है, ये मेरे नाम से नहीं आ रही होती क्योंकि वो बाकी मैनेज कर रही होती है, सिर्फ ट्रेनिंग का काम मैं कर रहा होता हूँ, बाकी जो चीज़ें मैनेजर ना पोस्टिंग वगैरह वो सब कुछ वो कर रही होती है। ठीक है, चलें ठीक है, इसको सेशन को हम इंशाल्लाह ताला आज एंड करते हैं। आप सब ये रिपीट करना है और इसको मुझे बताइएगा काइंडली, ठीक है? अपने सिस्टम पे करके मुझे काइंडली वो सेंड कीजिएगा, स्क्रीनशॉट से जो भी चीज़ें हैं वो सेंड कीजिएगा कि मुझे पता चले आपने कैसे कर लिया, ठीक है? टाइम में इंशाल्लाह ताला आपको ना ईमेल में कन्फर्म कर दूँगा। 9 है, ठीक है, अगर मोसिस पे एग्री कर रहे हैं तो, लेकिन यह कि मैं एक दफ़ा सबको ईमेल करके ना वहाँ पर भी रिस्पॉन्स ले लेता हूँ, फिर मैं आपको फाइनल कर दूँगा, ठीक है? ठीक है, गुड टू लाफिस। मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, आप सबका भी, और लाफिस।